हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक चौधरी, आ चुका हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एक नया पद्यांश जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में ये जो पद्यांश है वो आपको 10 अंक के लिए पूछे जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश है, जिसे आप देखिए, अंत तक देखिए। तो हम जो है पहले पद्यांश समझेंगे, उसके बाद जो है इसके प्रश्न उत्तर से इसमें जितने भी बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखिए, पहला पद्यांश, मतलब मैं इसके पहले भी एक पद्यांश बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा चल रहा है दूसरा पद्यांश, यानी पार्ट 2, पद्यांश महत्वपूर्ण पद्यांश का पार्ट 2। देखिए हमारा पद्यांश समझते हैं। पद्यांश की पहली लाइन कहती है, दानेन भूतानी वशी भवंती। अब देखिए, आप भूतानी से मतलब अपने जो भूत, मतलब जो भूत होते हैं उनसे मत लीजिएगा, यहाँ पर दाने यानी दान, ठीक है, दाने यानी दान, और भूतानी यानी प्राणी, और वशी भवंती यानी वश में आ जाते हैं, यानी दान करने से जितने भी प्राणी हैं वह सब वश में आ जाते हैं। दूसरी पंक्ति देखते हैं, दाने यानी दान से वैरण्यापी यानी शत्रुता, या वेर कहते हैं जिसे हम, वेर शत्रुता, यान्ति नाशम यानी उसका जो है समाप्त हो जाती है। मतलब पहली पंक्ति हमारी कहती है कि दान करने से जो है सभी प्राणी वश में आ जाते हैं, दूसरी पंक्ति कहती है दान करने से जो है शत्रुता दूर हो जाती है। अब तीसरी पंक्ति देखते हैं, परोपी, परोपी यानी पराय, बंधुत्व, बंधुत्व मुपेति यानी बंधुत्व बन जाते हैं दान से, मतलब दान से जो है पराय भी अपने बन जाते हैं, ठीक है। और चौथी हमारी लाइन है, दान ही सर्व व्यवसना व्यव्य सनानी हंती, यानी दान से ही सभी प्रकार की बुरी आदतों का हनन होता है, यानी कि नाश हो जाता है। तो इस पद्यांश में हमने समझा कि जो है दान से सभी प्राणी हमारे वश में आ जाते हैं, दान से शत्रुता दूर हो जाती है, दान से सभी हमारे बंधु बन जाते हैं, जितने भी पराए लोग होते हैं सभी हमारे बंधु बन जाते हैं, और दान से जो है सभी प्रकार की बुरी आदतों का अंत होता है। अब देखते हैं हमारे प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भूतानी के वशी भवंती, भूतानी यानी प्राणी कैसे वश में आते हैं, तो दान से जो है प्राणी वश में आ जाते हैं दान। अब कुछ जो बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम एक शब्द में लिखे या एक वाक्य में लिखे, तो मैं आपको बता दूं, आपको जो एक वाक्य में लिखना है जहाँ पर ऐसा के, क्या और ऐसे मतलब शब्द आए वहाँ पर जो है आपको यह दान लिखना है। तो मैंने जो है शॉर्ट में लिखा है, आप अगर लिखेंगे एग्जाम में तो आपको इस प्रकार लिखना है, भूतानी दानम वशी भवंती, ठीक है। और पीछे जो है ये क्वेश्चन मार्क हटा के आपको जो है पूर्ण विराम लगा देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, दानेन कानी नाशम यंती, यानी दान से जो है किसका नाश हो जाता है। तो हमने पढ़ा है परोपि, मतलब दान से जो है वैरण्यापि यान्ति नाशम, यानी वैरण्य यानी वैर यानी शत्रुता, शत्रुता का नाश हो जाता है। तो आप लिखेंगे दानेन, कानी की जगह लिखेंगे वैरण्यापि, तो जो है मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप जो है लिख लीजिएगा वैरण्यापि नाशम यान्ति, जो है शत्रुता का जो है नाश हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है, दानेन कह बंधुत्व मुपेति, यानी दान से जो है कौन हमारे बंधु बन जाते हैं। तो दान से जो है आपको कह की जगह लिखना है पराय, मतलब पराए भी बंधु अपने बन जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दान कानी हंती, दान से जो है किसका हरण होता है। तो हमने देखा है आखिरी की पंक्ति में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, दान ही सर्व व्यवसानी हंती, मतलब दान से जो है सारी बुरी आदतों का नाश हो जाता है। अगला है ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न है, परोपी दत्त पदे से संधि विच्छेद करता संधि नाम लिखत। तो देखे परोपी, ठीक है, इतने पदे संधि विच्छेद करवा, अगर आप देखें तो परोपी के ऊपर यह जो एक लाइन लगी हुई है, तो इस लाइन से हमें ज्ञात होता है कि परोपी किस, कौन सी संधि का प्रकार है। तो हम लिखेंगे पर धन अपी, इसका संधि विच्छेद है पर धन अपी। और जहाँ पर भी आपको यह 5 प्रकार का जो है चिन्ह दिखे, वहाँ पर आपको जो है कौन सी संधि लिखनी है, पूर्वरूप संधि, जो कि केवल संस्कृत में होती है, पूर्वरूप स्वर संधि।
इस प्रकार से जो है इसे अ पढ़ते हैं, लेकिन ये जो पांच जैसा प्रकार का चिन्ह दिखे यहाँ पर आपको पूर्वरूप संधि लिखनी है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद पर्दानपि और इसमें संधि है पूर्वरूप संधि। तो जो है यह पद्यांश यही तक कि आप देखते हैं इसका पार्ट 3 अगले वीडियो में।